हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। और गाइस, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसे न्यूज सबसे पहले लाते रहेंगे। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का पहला न्यूज है क्रिटिकल एक्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि इन दिनों सीरेक्स ने एक न्यू टूर्नामेंट फॉर्मेट लाया है, जिसका नाम रखा गया है स्टेट वॉरफेयर। और इसमें किसी भी स्टेट के प्लेयर को अपने खुद के स्टेट से ही खेलना होगा, यानी वो किसी दूसरे स्टेट से खेल नहीं सकते। तो अभी इस टूर्नामेंट का पहला सीजन चल रहा है, पर इस बार इसका प्राइस पूल कुछ भी रखा नहीं गया। पर इसके ऊपर रॉकी भाई ने ये कहा कि शायद अगले सीजन से इसका भी प्राइस पूल रखा जाए। तो इसके बारे में रॉकी भाई ने क्या कहा, देख लीजिए। अगर हमें और ज्यादा पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे तो हम इस टूर्नामेंट में प्राइस पूल लगा के इसको हम आप सबके सामने टेलीकास्ट करना चाहते हैं। सो इफ यू लाइक दिस फॉर्मेट प्लीज कमेंट ओपी फॉर्मेट, और इफ यू डोंट लाइक दिस फॉर्मेट प्लीज कमेंट बैड फॉर्मेट। तो गैस, हम लोग भी ऐसे टूर्नामेंट खेलते रहते हैं और हमें भी प्लेयर की जरूरत होता है। तो आप लोग भी अगर ऐसे टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो आप लोग हमारे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। और हमारे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा अगला न्यूज है रोमियो गेमर के बारे में। तो रोमियो गेमर ने ये बताया कि बहुत जल्दी वो अज्जू भाई और अमित भाई से पहली बार कैसे मिले थे, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसके बारे में रोमियो गेमर ने और क्या कहा, देख लीजिए। अज्जू भाई एंड अमित भाई, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आप लोग बस मेरे को कमेंट में इतनी सी बात बताना कि सबसे पहले किसकी वीडियो बनाए, मतलब लाइक अज्जू भाई से मिले उनकी वीडियो बनाए कैसे मिले, या सबसे पहले अमित भाई की वीडियो बनाए कि अमित भाई से कैसे मिले। तो इस चीज पे अपन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बढ़िया सी स्टोरी टाइम वाली वीडियो। तो प्लीज कमेंट करके आप सारे बताने यार, ठीक है। और कल उनका 1 मिलियन स्पेशल Q&A वीडियो आया, और इसमें उन्होंने अपने यूट्यूब करियर से लेके काफी सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। तो इसमें से आप लोग एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है वीरे भाई की तरफ से, कोई गर्लफ्रेंड है क्या? भाई गर्लफ्रेंड का तो ऐसा यार, मतलब है भी और नहीं भी मान लो, क्योंकि अभी देखो अगर मैं गर्लफ्रेंड पे फोकस करने लग गया तो गाइस फिर थोड़ा करियर रह जाएगा, और करियर बना लेना चाहिए अभी, क्योंकि वो करियर यार गर्लफ्रेंड के भी काम आएगा ना, समझ रहे हो। अगर तुम्हारा करियर बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसके घर वाले तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देंगे। तो इसलिए अभी गर्लफ्रेंड छोड़ रखी यार, एक तरह से मान के चलो कि गर्लफ्रेंड पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, लाइक ना करियर पे ज्यादा फोकस करता हूं मैं। तो एक तरह से अभी ना मान के चलो कि गर्लफ्रेंड नहीं है यार। और कल फ्री फायर का न्यू एडवांस सर्वर लॉन्च किया गया, पर ये सर्वर बस कुछ ही लोगों को ही मिला है। और इस एडवांस सर्वर में काफी कुछ नया देखने को मिला। तो सबसे पहले इसमें बरमुडा 2.0 मैप को लाया गया, और इसको कुछ हद तक पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी का लुक भी दिया गया। और इस चीज को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ही आपको ये बात पता चलेगा। और इसी के साथ ही इसमें न्यू कैरेक्टर और न्यू पेट भी देखने को मिला। और आप लोग अभी बैकग्राउंड में जिस वीडियो क्लिप को देख रहे हो वो देसी गेमर से लिया गया है। तो आपको ये एडवांस सर्वर कैसा लगा, और आपको इसमें कौन सा चीज सबसे अच्छा लगा, कॉमेंट करके बताइए। अगला न्यूज है टोंडी गेमर के बारे में। तो टोंडी गेमर ने अपने यूट्यूब और फ्री फायर के जाने के बारे में बात करते हुए अपने कुछ पर्सनल स्टोरी भी शेयर किया, और इसमें उन्होंने ये बताया कि यूट्यूब के काम को लेके उनके फैमिली माने थे या नहीं। और इसी के साथ उन्होंने ये बताया कि यूट्यूब से पहले वो अपने मम्मी से 3 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए लिए थे, पर उन्होंने सारा पैसे बिजनेस में लॉस कर दिया। तो इन सब के बारे में बात करते हुए टोंडी गेमर ने क्या कहा, देख लीजिए। भाई फैमिली को लेस कन्विंस किया यूट्यूब के लिए, लेस कन्विंस नहीं लेस कन्विंस मतलब ये समझा नहीं, बट मतलब कम कन्विंस ज़्यादा नहीं करना पड़ा आप लोगों ने, आपने ऐसा बोला है तो ऐसा चीज़ है। देखो मेरे फैमिली में मेरे पापा नहीं है, ठीक है, पापा में इसका सीन बाद में बताऊंगा, थोड़ा ये ऐसा सीन है। फैमिली में पापा नहीं है, मेरे मॉम है और मेरे भाई है, ठीक है। तो क्या रहता है कि मेरा भाई जो है मेरा भैया जैसा है, ठीक है, जी आप में से बहुत सारे बंदे जानते होंगे राजू भाई करके, ठीक है, वो मेरा भाई है फिर भी भैया जैसा है, ठीक है। मतलब एक टाइम ऐसा भी आ गया था जिस टाइम मेरा भाई मेरे को पढ़ाने के लिए अपना पढ़ाई छोड़ के काम करता था, समझ रहे हो ना, ऐसा है सीन मेरा, मतलब पढ़ाई उसने छोड़ दिया था मेरे को जस्ट पढ़ाने के लिए, ऐसा सीन था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ था, तो फैमिली में मॉम से भी ज़्यादा मैं मतलब मेरे को कन्विंस करना पड़ता था तो भाई को, ठीक है। तो भाई को पता था मतलब कि मैं फ्री फायर खेलता हूँ, ऐसा मैं करूँगा, ऐसा यूट्यूब मेरे को करना है, ऐसा बोला था भाई को। तो भाई को मैंने कन्विंस किया, भाई ने मॉम को कन्विंस किया, मॉम को कन्विंस मतलब कि मॉम से पैसा निकालना समझ रहे हो। क्या हुआ था कि मॉम तो कन्विंस नहीं थी, ठीक है, शुरू में, क्योंकि मॉम की मैंने 3 लाख रुपीज वो कर दिया था, क्या बोलते हैं, डुबा दिया था, मतलब मैंने एक बिजनेस करूँगा करके 3 लाख रुपीज लिया था गाइज, और 3 लाख रुपीज मतलब मोम का मतलब वेस्ट के चला गया था, मतलब वो डूब गया था, समझ रहे हो, ऐसा सीन हो गया था। बट
मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट भाई ने किया है गाइस। राजू भाई बोलते हो ना, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, मतलब सब कुछ राजू, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, राजू भाई करते हैं हर चीज, ठीक है। और कल फ्री फायर स्पोर्ट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे एक रैप बैटल सॉन्ग रिलीज किया गया और इस सॉन्ग पे कई जगह के फ्री फायर के यूट्यूबर के साथ इंडिया के सुनीता, तेज जस, तेज ऋतिक और एरो गेमिंग को भी फीचर किया गया। तो आपको अगर इस वीडियो सॉन्ग को देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं टूसेट गेमर्स के बारे में। तो उनका जो थेजदी नाम का न्यू सॉन्ग आया है, उस सॉन्ग को काफी सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के किसी वीडियो या फिर गेम प्ले में यूज किया था। तो जिसने भी उनके सॉन्ग को अपने वीडियो में यूज किया था, उन सभी के वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो इसके बारे में जब किसी ने उनको बताया तो इसका देते हुए उन्होंने ये कहा कि खुद उनको ही इसके वजह से कॉर्पोरेट क्लेम आया। तो इसके बारे में बात करते हुए टूसेट गेमर्स ने और क्या कहा, देख लीजिए। भाई फ्री फायर मैंने आपका सॉन्ग यूज किया है, कॉपीराइट भी दे दिया भाई, मेरे को खुद को कॉपीराइट है उस सॉन्ग पे। मैंने बोला भी था हमने भाई एक दो जगह कि प्लीज वो सॉन्ग यूज मत करना अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि उसका राइट्स कॉपीराइट्स अभी तक हमारे पास भी नहीं आया, अभी हमको भी आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ये अभी अगर आप सॉन्ग यूज करोगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, बट क्लेम आ जाएगा। स्ट्राइक नहीं आएगी, स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, मतलब चैनल बिनल को हार्म नहीं होगा, बस क्लेम आएगा और वो क्लेम जिससे आ रहा है वो हम निकालने का ट्राई कर रहे हैं। अगला न्यूज है एक्स मेनिया के बारे में। तो शायद बहुत जल्दी एक्स मेनिया फेस कैम करके लाइव स्ट्रीम करेंगे और इसी के ऊपर वो पहाड़ी गेमिंग रोमियो गेमर और डीसी गेमर से भी बात कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था, देख लीजिए। वही फेस कैम की क्वालिटी और अच्छी करना है यस के घर पे, वो बैकग्राउंड का हम वो करें ना डिजाइन, बैकग्राउंड क्या रखना, वही ड्रैगन के बैकग्राउंड वो करेंगे डिजाइन। ओके चलो बाय। तो जो जो बात इसमें उन्होंने बताया उस हिसाब से ये लगता है कि बहुत जल्दी वो फेस कैम स्ट्रीम शुरू करेंगे। तो अभी देखते हैं कब तक वो फेस कैम स्ट्रीम शुरू करते हैं। बात करते हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो कल उनके एक सब्सक्राइबर ने उनको एक मीम शेयर किया था और इस मीम को देख के ज्ञान गेमिंग को इतना अच्छा लगा कि वो इस मीम को अपनी स्ट्रीम पे भी दिखा रहे थे। तो ये कैसा मीम था जिसको देख के उनको इतना अच्छा लगा, उसकी ये क्लिप आप लोग भी देख लीजिए और ये बस एक फन क्लिप है। 3, 2, 1 गाइस वीडियो देखो, पहले मेरा है गैजेट, ठीक है, बाजू में अमित भाई फिर निकल गए, ठीक है, अज्जू है फिर जस्ट गाइस थोड़ा सीन देख लो गाइस, यार इतना मैं हंस रहा हूं वीडियो देख के, ठीक है। तो मैं सोचा कि जब एक चीज आपको लोगों को शेयर करना चाहिए, मस्ती दूरी कल शर्मा वीडियो देखो, मेरे को लगता है कि एक चीज आप लोगों को शेयर करना चाहिए, कैसे बड़ा देखो आंचल में छुप जाए, मैं पहले मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर कम 15 बार देखा आप लोग वीडियो और मत देखो, कैसे हो गए गाइस, मैं 15 बार देखा है वीडियो को, समझ रहे हो, 15 बार, एक बार नहीं गाइस 15 बार देखा मैंने वीडियो को। वो बंदे जो भेजा ना गाइस, उसको मैं बोला भाई तेरे को कुछ चाहिए तो बता, बोले गैर भाई कुछ नहीं चाहिए बस मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर का भी मैंने मेरे साथ, बोले ठीक है भाई। भाई इतना गाइस इतना ओपी था ना ये चीज भाई। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो एसएसएस गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 400 के सब्सक्राइबर, टीजी लेजेंड ने कंप्लीट कर लिया है 900 के सब्सक्राइबर और अनग्रेजुएट गेमर ने कंप्लीट कर लिया है 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो ये था आज का कुछ न्यूज और कुछ अचीवमेंट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।